हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। अब बारी आ रही है डिविडेंड डिक्लेरेशन की। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला है बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन, जिसको हम लोग कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। कैपिटल गेन आपको होता है जब भी आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। और दूसरा ऑप्शन है जो बहुत पॉपुलर नहीं है, जो दूसरा ऑप्शन का नाम है डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन इसलिए पॉपुलर नहीं है कि लोगों को क्विक कैपिटल गेन चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में, जबकि डिविडेंड के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और कंपनी पे भरोसा करना चाहिए। सो डिविडेंड ऑप्शन की तरफ जो लोग जाते हैं उनको ज्यादा कैपिटल गेन से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन कैपिटल गेन मिला तो अच्छा, लेकिन मिलता ही है उनको। और दूसरी तरफ एक डिविडेंड जो है उनको एक स्टेबल इनकम देता है, एक पीस ऑफ माइंड देता है। सो डिविडेंड स्टॉक्स जो है काफी डिमांड में रहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। सो आज मैं आपको तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, उनका डिविडेंड डिक्लेरेशन का अनाउंसमेंट होने ही वाला है। सो इस कैटेगरी में सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, आपने सही सुना, कोल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 66% से ज्यादा स्टेक अभी भी है। और कंपनी की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया की 82% एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी भी है। जी हाँ, ये भी तमगा इसके पास है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महारत्न कंपनी में आती है, टॉप 10 महारत्न कंपनी में आती है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अभी भी 60% उसकी जो जरूरत है फॉसिल फ्यूल से पूरी की जाती है, और इस फॉसिल फ्यूल में सबसे ज्यादा शेयर होता है वो है कोल का। बिना कोल के सप्लाई के इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट असंभव है आज के डेट में। चाहे आपकी पावर जनरेशन कंपनी हो, चाहे आपकी कोई गवर्नमेंट की स्टील की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट की स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या कोई ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी हो, सभी को कोल की जरूरत होती है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है कोल इंडिया लिमिटेड। सिंस कोल इंडिया लिमिटेड के पास बहुत सारा कैश रिजर्व है और उस कैश रिजर्व को ये डिविडेंड पे करने में करते हैं, और रेगुलर डिविडेंड पे करती है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो की हम बात करें सो 60% से ज्यादा है। इसका मतलब कि अपने प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 60% कोल इंडिया लिमिटेड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और आने वाले समय में भी कोल इंडिया लिमिटेड का डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, ग्रोथ ऑफ स्टॉक की अगर बात करूं मैं, सिंस अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स की जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, और यही एक वजह है कि जो स्टॉक की ग्रोथ है काफी खराब रही है। अपने लिस्टिंग प्राइस जो कि 245 रुपए थी उससे भी नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। सो जहां तक हम कैपिटल ग्रोथ की अगर बात करें तो इस स्टॉक में नहीं है अभी तक, लेकिन डिविडेंड की अगर हम बात करें तो आप अगर एक डिविडेंड स्टॉक की तरफ देख रहे हैं तो कोल इंडिया उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ये रहा पहला स्टॉक। अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1910 में हुई थी इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीसी जानते हैं। अब आईटीसी ने 1910 से आज तक अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे कहीं भी हो, बहुत सारे फील्ड्स में आईटीसी आज के डेट में अपनी प्रेजेंस को बना पाया है। लेकिन अभी भी उसकी जो टोटल रेवेन्यू है सिगरेट से या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर से आता है। एफएमसीजी में इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स है, विवेल का सोप है और इनके आशीर्वाद का आटा है और 2M के चिप्स वगैरह भी आते हैं, और सिगरेट में ये अनडिस्प्यूटेड किंग है इंडिया में आईटीसी, और इनकी मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग है और काफी ग्रोइंग कंपनी है। हालांकि स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी ओवर द ईयर, आप देखेंगे तो कंपनी 8 से 10% ही ग्रो कर पाती है, बट डिविडेंड की अगर हम बात करें आईटीसी लिमिटेड ने अपने जो भी अपनी प्रॉफिट है उसको ऑलमोस्ट 45-50%
इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, विच मीन्स इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी क्लोज टू 40-50% है। और इन्होंने अभी तक 12 से 14 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है पिछले 10 साल में, इसमें इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है। सो आईटीसी लिमिटेड इज वन ऑफ द स्टॉक्स अगेन टू लुक फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर द डिविडेंड पेइंग स्टॉक। सो फ्रेंड्स, आते हैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ। तीसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो लाफार्ज, एक ग्लोबल जर्मन ग्रुप है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अंबुजा सीमेंट्स की भी जो प्रेजेंस है इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाया हुआ है कि उनकी ग्रोथ जो है कंपनी की काफी स्टेडी है, और इन्होंने भी रेगुलरली डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आप इनकी डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इनकी 45% की है और डिविडेंड यील्ड जो है इनकी 2.5% की है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन्स ये अपने प्रॉफिट का 45% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और डिविडेंड यील्ड रेशियो 2.5% का मतलब क्या है कि इनके शेयर प्राइस के मुकाबले 2.5% ऑफ द शेयर प्राइस ये अभी तक हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। सो ये तीन टॉप स्टॉक्स हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स विच यू शुड लुक फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेडी इनकम, रेगुलर डिविडेंड। और ये ऐसी कंपनी है जिसमें आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आईटीसी को लेकर काफी बुलिश रहता हूँ, हालांकि इस स्टॉक में अभी तक बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आता है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ओवर द ईयर ये स्टॉक एक बार अगर मोमेंटम पकड़ लेता है तो इसको रोकने वाला शायद दूसरी इसका कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं है। सो डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो। अपना कोई सजेशन है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और कोई भी क्वेरी है मैं उसको आपके लिए रिप्लाई करूंगा। एंड डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।